नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। इसमें अनेक ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती है जो चमत्कारिक गुणों से भरी होती है। ये चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधे हमारे आसपास में ही होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम इसके गुण और फायदे से अनजान होते हैं। दोस्तों, आज की जानकारी बेहद खास है। जी हाँ, आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुंदरू के जबरदस्त फायदे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कुंदरू के बारे में हमारे आयुर्वेदिक प्रसिद्ध ग्रंथ भाव प्रकाश, सुश्रुत संहिता और निघंटु जैसे ग्रंथों में विस्तार से लिखा है। इस ग्रंथों के रचनाकार महान आयुर्वेदाचार्यों ने इस बिंबी फल के गुण और फायदे के बारे में विस्तार से बताया है। इनके मत अनुसार यह कुंदरू स्वाद में मधुर, कषाय और पचने में लघु होता है। यह शीत प्रकृति का और कफ पित्त शामक भी होता है। यह स्तंभन शक्ति को बढ़ाता है, अरुचि का नाश करता है और पेट के अनेक विकार दूर करता है। सालों से बिंबी फल का प्रयोग काश, श्वास, क्षय रोग और रक्तपित्त में किया जाता है। यह पांडु और कामला रोग में भी अति फायदेमंद होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इन महान आयुर्वेदाचार्यों ने इसे संस्कृत में बिंबी, रक्तफला, तुंडिका, तुंडी और बिंबिका जैसे नामों से संबोधित किया है। हिंदी में ज़्यादातर इसे कंदूरी, बिंबी और कुंदरू जैसे नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इसका अंग्रेजी नाम आईवी गोर्ड और वानस्पतिक नाम कोक्सनिया ग्रैंडिस है। दोस्तों, आपके क्षेत्र में इस कुंदरू को किस नाम से जानते हैं ये जरूर बताएं। कुंदरू की एक बेल लगती है जो वर्षा ऋतु में सारे भारतवर्ष में अपने आप उत्पन्न होती है। इसके मूल में एक बड़ा कंद होता है। ये कंद सालों तक जिंदा रहता है। ग्रीष्म काल में ये बेल जब सूख जाती है तब वर्षा ऋतु आते ही इस कंद से बेल फिर से नई उत्पन्न होती है। इसे सफेद रंग के 5 पंखुड़ी वाले पुष्प लगते हैं और इसके बाद फल लगते हैं जो नुकीले होते हैं और 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। ये फल कच्ची अवस्था में हरे रंग के और ऊपर सफेद रंग के धारियों से युक्त होता है। ये पकने के बाद नारंगी और लाल रंग का हो जाता है। दोस्तों, कुंदरू की 2 प्रजाति पाई जाती है, एक कड़वी और दूसरी मीठी। मीठी कुंदरू के फलों का हम सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि कड़वी कुंदरू औषधीय कार्यों में उपयोग में ली जाती है। दोस्तों, इसकी सब्जी बहुत ही गुणकारी होती है। इसकी सब्जी खाने से कफ और पित्त का शमन होता है। इसका साग पचने में हल्का और शीतल होता है। दोस्तों, कुंदरू के सफेद पुष्प भी औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसका उपयोग ज्यादातर कामला और पांडु रोग को मिटाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, लीवर की बीमारी में इसके पत्र बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके ताजे पत्र 2 से 3 ग्राम की मात्रा में रोजाना खाली पेट अगर खाते हैं तो लीवर की सूजन उतर जाती है और लीवर ठीक से काम करने लगता है। दोस्तों, इसके पत्रों की चटनी बनाकर रोजाना अगर आप खाते हैं तो लीवर मजबूत बनेगा। दोस्तों, कई लोग गोनोरिया से प्रभावित होते हैं। गोनोरिया यानी सुजाक, ये एक प्रकार का गुप्त रोग है। अगर ऐसा रोग है किसी को तो इसके पत्रों का रस 5 मिली की मात्रा में रोजाना पिए, इससे आपको बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, ये वनस्पति इतनी चमत्कारिक होती है कि अगर इसके मूल को लेकर इसका लेप बनाते हैं और माथे पर लगाते हैं तो सिर दर्द खत्म होता है। अगर किसी भी प्रकार का कानों में दर्द हो तो इसके पत्तों का ताजा रस निकाले और सरसों के तेल के साथ संभाग मिलाकर 1 से 2 बूंदे कान में डालें। इस प्रयोग से कान में होने वाला दर्द तुरंत खत्म होता है। अगर मुंह या जीभ में छाले पड़ गए हो तो इसके फलों को चूसने मात्र से ही जीभ ठीक हो जाती है और व्रण हो गया हो तो व्रण भी भर जाते हैं। दोस्तों, अगर श्वास नलिका में सूजन आ गई हो तो इसके कांड और पत्तों को पीसकर क्वाथ बनाए और इसका रोजाना सेवन करें। इससे कुछ ही दिनों में श्वास नली की सूजन उतर जाती है। दोस्तों, कुंदरू मधुमेह के मरीजों के लिए भी फायदेमंद होता है। अगर आप मधुमेह से पीड़ित हैं तो इसके मूल का रस निकालें और 10 ग्राम की मात्रा में रोजाना सेवन करने से मधुमेह कंट्रोल में होता है। दोस्तों, ये त्वचा रोगों में भी अधिक फायदेमंद साबित होता है। इसके लिए इसके ताजे पत्तों का रस निकालकर त्वचा रोगों पर लेप करें। इससे कंडू, पामा और खुजली जैसे विकार नष्ट होते हैं। इसके अलावा इसके पत्तों का रस निकालकर घी के साथ मिलाकर घाव पर लगाते हैं तो घाव भी शीघ्र भरने लगते हैं।
दोस्तों, ज्वर मिटाने में इसके सारे पंचांग को पीसकर इसका रस सारे शरीर पर लगाने से ज्वर खत्म होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।